नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर है जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से, जहां आज मंत्री बनने के बाद विभाग बंटवारे के बाद खेल एवं राजस्व मंत्री बनाए जाने के बाद माननीय मंत्री टंकराम वर्मा बालोदा बाजार में पहुंचकर पहले प्रेसवार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ने साफ सुथरे शब्दों में कहा एवं चेतावनी देते हुए बोला, फर्स्ट या करप्ट कर्मचारी एवं अधिकारी को बचाना ही जाएगा और तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी विभागों की समीक्षा एवं आगे की कार्रवाई की जाएगी और बालोदा बाजार विधानसभा को बहुत अच्छा और ज्यादा से ज्यादा सुविधा एवं जनता को ज्यादा ज्यादा सुविधा दिलाने एवं कर्मचारियों से करप्ट मुक्त करने का कार्य है, वह भाजपा की सरकार और मंत्री टंकराम वर्मा करेंगे, कहते हुए अपनी बातों को विराम दिया। इस अवसर पर सभी न्यूज चैनल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे और बीजेपी के कार्यकर्ता और शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति में कार्यक्रम को संपन्न किया गया। कैमरामैन मोहित मरकाम के साथ जगत न्यूज 24 छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ प्रभारी श्रवण कुमार ध्रुव की रिपोर्ट। मंत्री परिषद की गठन मंत्री पद की शपथ के बाद आज बलोदा जब आगमन हुआ है तो मैं चाहता हूँ आप सबके बीच आप सबसे मेरी मुलाकात और आप सबसे कुछ सुझाव मिलूँ और उस सुझाव को लेकर के हम थोड़ा आगे चले विभाग में और बलोदा विधानसभा में कुछ अच्छा काम कर सके, इसके लिए आप सबके साथ आगे तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि पिछली सरकार ने दीपा योजना शुरू की थी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, अब वो अभी नई सरकार गठन होने के बाद पूरी तरह से बंद या ठप पड़े हैं, उनको गति प्रदान करने के लिए ग्रामीण व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? और जैसा कि आप खेल कल्याण मंत्री बनाए गए तो इसके अनुसार आप युवाओं और खेल के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? दीपा योजना की एक बार फिर से समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा तो हिसाब से उसमें काम किया जाएगा। और बात रही खेल युवा कल्याण की, तो पिछली सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के नाम पर जो क्लब का गठन किया गया था, कोई अपने कार्यकर्ताओं को पैसा बांटने का, सरकारी खजाने को लूटने का एक जरिया था, करोड़ों रुपये उसमें व्यय किए गए हैं पर उनका लाभ किसी भी युवा को नहीं मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि ये भ्रष्ट जो हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कर इस नाम के पे रोक लगाया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल राजीव युवा क्लब पे रोक लगा दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे, मेरा भी निवेदन था कि एक अच्छी नई योजना का नाम युवाओं के लिए दे करके युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना भी चला था, योजना की हमारे ग्रामीण प्रतिभा को आगे लाने के लिए बनाए और इस तरह युवाओं को प्रोत्साहित करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।